वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी महीने हैं वो सभी पवित्र माने जाते हैं। जैसे आश्विन का महीना हो, माघ का महीना हो, कार्तिक का महीना हो, कोई भी महीना हो, सभी महीने पुण्यदायिनी कहे गए हैं। सभी महीनों की अपनी एक अलग-अलग महिमा है, अपना अपना धार्मिक महत्व है। लेकिन आज हम जिस महीने के बारे में बात कर रहे हैं, वह महीना सभी महीनों में सबसे ज्यादा पुण्य को देने वाला और धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पवित्र कहा गया है। इसी महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, इसी महीने में हरितालिका तीज, इसी महीने में गणेशोत्सव, ऋषि पंचमी, दोल व्यास, अनंत चतुर्दशी जैसे मुख्य त्योहार आते हैं। अब आप खुद लगाइए कि जिस माह में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ हो, वह महीना कितना पवित्र और कितना पुण्य को देने वाला होता है। इसी महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने के बारे में, या आम भाषा में जिसको भादवे का महीना भी बोलते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साल 2021 में भाद्रपद का महीना कब शुरू होगा और भाद्रपद का महीना कब तक चलेगा। भाद्रपद के महीने में आप क्या कार्य करें जिससे भगवान की कृपा की प्राप्ति आपको होती रहे, और भाद्रपद के महीने की क्या धार्मिक विशेषता है, यह सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का यह एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम विष्णवे नमः। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने के बारे में कि भाद्रपद महीने की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, साल 2021 में यह महीना कब शुरू होगा। प्रिय साथियों, अगर हम भाद्रपद के बारे में बात करें तो भाद्र का अर्थ होता है अच्छे परिणाम देने वाला, या भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो इस महीने का जो नाम है उसका अर्थ हुआ कि कल्याण को देने वाला, अच्छे परिणाम देने वाला। यानी कि अगर आप भाद्रपद के महीने में भगवान की पूजा करते हैं तो यह हमेशा आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा, आपके लिए शुभ सूचनाएं लेकर के आने वाला होगा। भाद्रपद के महीने में आप जो भी पूजा पाठ, व्रत, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उनका तुरंत प्रभाव से अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि भाद्रपद के महीने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद के महीने में ही हुआ था। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं तो भाद्रपद के पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण जी को पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं, अपार कृपा की प्राप्ति आपको जरूर होगी। इसके साथ साथ अगर आप विद्या और बुद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भादवे के महीने में आप श्री गणेश की पूजा भी जरूर करें। इसके अलावा भाद्रपद के महीने में जितना अधिक आप सात्विक रहेंगे उतना अधिक आपको इस महीने का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। भाद्रपद के महीने में जितना अधिक आप संयम में रहेंगे, जितना अधिक आप अनुशासन में रहेंगे, उतना ज्यादा आपको भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा की प्राप्ति होगी। जो चौमासा जिसको बोलते हैं या जिसको चातुर्मास बोलते हैं, उस महीने का
यह दूसरा महीना होता है जो भादवे का महीना होता है। इस समय भगवान विष्णु नारायण निद्रा में लीन होते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि साल 2021 में भाद्रपद का महीना कब शुरू होगा। स्क्रीन पर मैं डिटेल शेयर कर रहा हूं, यहां से आप डिटेल नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, साल 2021 में भाद्रपद का महीना 23 अगस्त सोमवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। 23 अगस्त 2021 सोमवार के दिन से भादवे का महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि 20 सितंबर सोमवार के दिन तक चलेगा। जी हां, 23 अगस्त सोमवार से प्रारंभ होकर 20 सितंबर सोमवार तक भाद्रपद का यह शुभ और पवित्र महीना चलेगा। सुबह जल्दी उठे, विष्णु भगवान का ध्यान करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, इसके साथ ओम नमो नारायणाय या ओम श्री कृष्णाय नमः इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इस महीने में जितना अधिक आप पवित्र रहेंगे, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे, उतना ज्यादा आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि भाद्रपद के महीने में जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, उसको अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा की प्राप्ति आपको होती रहे, तो भाद्रपद के महीने में जितना अधिक हो सके उतना अधिक आप भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको कोई मंत्र ज्ञात नहीं है तो आप ओम वासुदेवाय नमः या ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आपके मन का भाव जितना अधिक मजबूत होगा, जितना अधिक श्रद्धा भाव से आप भाद्रपद के महीने में भगवान की पूजा करेंगे, उतना ही जल्द आपके जीवन में शुभ और सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में आप सभी भक्तों से मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा भगवान विष्णु नारायण की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय।